हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ चावल के आटे से बनने वाली एक नया नाश्ता। नाश्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन को गर्म कर लिया है। अब इसमें डालेंगे एक चम्मच तेल। तेल को गर्म कर लेंगे। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी अदरक और लहसुन कूटी हुई। अब इसे हल्का सा भून लेंगे। अब इसमें डाल देंगे एक कप पानी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी कुटी हुई जीरा पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। इन सबको मिक्स कर लेंगे और मसालों को एक मिनट पका लेंगे। अब मैंने यहाँ पर लिया है एक कप चावल का आटा। इसे धीरे धीरे पैन में डालेंगे। और इस तरह से इसे चलाते रहेंगे। अब इसे मिक्स करते हुए इसका एक डो तैयार कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कद्दूकस की हुई गाजर और थोड़ी सी हरी धनिया। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे मिक्स करते हुए इसका एक डो तैयार कर लिया है। अब इसे दूसरे बर्तन में निकाल कर हल्का ठंडा कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, डो हल्का ठंडा हो गया है। अब इसे मसलते हुए चिकना कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, डो को मसलते हुए चिकना कर लिया है। अब इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसे इस तरह से गोल करते हुए चिकना कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसे रोटी की तरह बेल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसे रोटी की तरह बेल लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक पैन को गर्म कर लिया है। अब इसमें बेली हुई रोटी को डाल देंगे। अब इसे एक साइड से एक मिनट सिकने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक मिनट हो गया है। अब इसे पलट लेंगे और दूसरे साइड से भी एक मिनट सेक लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दूसरे साइड से भी एक मिनट सिक गया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड से अच्छे से सीख गया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और अब इसी तरह से बाकी के नाश्ते को भी बनाकर तैयार कर लेंगे।